हेलो दोस्तों, मैं रंजीत रावत और स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। तो आज की वीडियो रहेगी डिपेंड लिंग और वचन पर। हमें किस तरह से लिंग और वचन में मात्राओं का यूज़ करना है या जो भी हमें वर्ड बनाना है तो वो किस तरह से हमें बनाना है, तो उससे पहले एक मिनट लगता है हम समझ लेते हैं कि लिंग क्या होता है और वचन क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं लिंग की। तो लिंग से हमें ये पता चलता है कि बात किसी फीमेल के बारे में हो रही है या फिर किसी जेंट्स के बारे में हो रही है। जैसे कि अगर मैं कहूँ लड़का, तो लड़का क्या है? मेल है, यानी कि जेंट्स है। तो ये क्या है, किस लिंग में आया है? पुल्लिंग में आया है, ठीक है। इसी तरह से अगर कोई लड़की होती तो वो क्या होता? वो स्त्रीलिंग होता। जैसे कि इसी तरह से अगर हम निर्जीव चीज़ों में आए, जैसे कि अगर मैं लूँ कुर्सी, तो कुर्सी का नाम हमें इस तरह से लग रहा है कि ये एक फीमेल कैटेगरी में है। अगर इसी तरह से अगर मैं लूँ मार्कर, तो मार्कर का नाम हमको इस तरह से लग रहा है कि एक ये मेल कैटेगरी में है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि लिंग से हमारा क्या तात्पर्य है। फिर आता है वचन। लेकिन वचन से पहले हम सीखते हैं कि लिंग को हम कैसे यूज करते हैं, इसमें हम किस तरह से इसको देखेंगे। जैसे कि वह जाता है, तो अगर मैं यहाँ बात करूँ जाता है तो क्या होगा, यानी कि कोई लड़का होगा, क्योंकि अगर लड़की होती तो वो इस तरह से लिखा होता। तो अगर मैं किताब के रूल्स से जाऊँ, अगर मैं किताब के रूल्स से देखूँ तो उसमें क्या है, किताब के रूल्स में क्या है कि अगर हमें लिंगों का भेद करना है तो उसमें कुछ भी मात्राओं का यूज़ हमें नहीं करना। जैसे कि अगर मैं इसको लिखूँ वह, ये इस तरह से ये वह का शब्द चिन्ह होता है, जाता जा ता जाता है, इस तरह से जाता आ की मात्रा आएगी, ता पर भी आ की मात्रा आएगी, जाता है। लेकिन अगर मुझे लिखना है वह जाती है, तो अगर मैं बुक के अकॉर्डिंग देखूं तो बुक में जाता है या जाती है सेम ऐसे ही लिखना है। हमें कोई भी मात्राओं का यूज नहीं करना है। हमें किस तरह से पहचानना है, वो हमें पहचानना है कि जो वाक्य लिखा है कि वाक्य में लड़के की बात चल रही है या लड़की की बात चल रही है। तो ये तो एक तरीका तब होगा जब हमें पता होगा वाक्य में कि बात पर्टिकुलर किस चीज़ पर चल रही है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमें पता नहीं चलता। अब ये लिखा है वह जाती है, तो अगर मैं इसको लिखता हूँ सिंपल वह जाती, वैसे जाता का ये सच्ची होता है जा और ये ता का आंकड़ा इस तरह से, तो इसको ना लिखें, यहाँ पर भी ऐसे ही यूज करें वह जाती है। तो इसी को हम क्या पढ़ेंगे, वह जाता है और वह जाती है। तो इस शॉर्ट हैंड से हमें कुछ नहीं पता चल रहा, लेकिन जब हमने जो हिंदी सुनी है उससे हमें पता चल रहा है कि लड़के की बात हो रही है या लड़की की। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर हमें मात्राओं का यूज नहीं करना है, हमें सिर्फ वाक्य बनाने हैं, हमें शॉर्ट हैंड बनानी है और हमें उसको अपने सेंस से उठाना है। वो हमें डिक्टेशन से पता चल जाएगा कि लड़की के बारे में बात हो रही है या लड़के की। ये रूल्स जो हैं ये बुक के हैं, लेकिन अगर मेरे अकॉर्डिंग देखना है तो क्या करेंगे, देखो जब हम लिख ही रहे हैं कि वह जाता है, तो अगर हम थोड़ा सा इसमें पहचान कर लें तो दिक्कत क्या है। जैसे कि ये लिखा वह जाता है, अगर हम यह ई की मात्रा लगा दें तो ये साफ साफ हो जाएगा। अब चाहे हमें हिंदी पता हो या ना भी हो, हम इसको क्या पढ़ेंगे, वह जाती है, इसको हम क्या पढ़ेंगे, वह जाता है। चाहे तो इस जाता को हम ऐसे लिख सकते हैं जा और ये ता का आंकड़ा, और यहाँ पर आ की मात्रा लगा सकते हैं, वह जाता है, ठीक है। तो अब हमें ये बिल्कुल क्लियर पता चल रहा है कि ये सेंटेंस है वह जाता है, ये सेंटेंस है वह जाती है। इसी तरह से अगला टेंस आता है वे जाते हैं। अब इसमें बहुत सारों की बात हो रही है, अब इनको देखो कैसे यूज करते हैं। वे जाते हैं तो क्या लिखेंगे, वह का सब चीज होता है इस तरह से, और इसमें एक ही मात्रा लगा देंगे तो बन जाता है वे जाते। देखो जा बनाएंगे और ये ता का आंकड़ा, ये जा हो गया, और ये एक ही मात्रा यहाँ लगा देंगे और ये है जाते हैं। यानी कि हमें अपने हिसाब से पूरी पहचान करनी है कि वाक्य में जाता बोला है, जाती बोला है या जाते बोला है। यानी कि हमें किताब के अकॉर्डिंग ये नहीं देखना है कि वाक्य के हिसाब से हम पढ़ें उसको, कि लिखना सेम है और वाक्य के हिसाब से पढ़ लें, ऐसा नहीं करना। हमें पर्टिकुलर पूरी पहचान करते हुए चलना है कि वह जाती है लिखा है या वह जाता है लिखा है। हमें इस तरह से नहीं लिखना है जैसे कि ये वे जाते हैं। अगर मैं किताब के अकॉर्डिंग बात करूँ तो वह जाते हैं, सॉरी ये मात्रा भी लगी, वह जाता है, वह जाते हैं, वह जाती है, यानी कि तीनों ही चीज़ें ये हैं।
लेकिन हमें ऐसा नहीं करना, हमें क्या करना, अपनी पहचान अलग करती चल करते हुए चलना है, ठीक। इसी तरह से होता वह खाता है, तो वह का सब चिन्ह हो गया खाता, खा और ता, ये आ की मात्रा और ये आ की मात्रा ता पर, वह खाता और ये है, और ये विराम होता है इस तरह से, वह खाती है वह खा और ये ता, ये कट करके लिख देंगे खा को, ये आ की मात्रा और ये ई की मात्रा, वह खाती है, वे खाते हैं वे खाते हैं, और ये विराम, यहाँ पर भी ये विराम, यानी कि हमें अपनी पहचान खुद करते हुए चलना है, ताकि हमें शॉर्ट हैंड पढ़ने में जरा सी भी दिक्कत ना हो। तो अब बात करते हैं हम वचन की, तो वचन पे हमें क्या करना है, देखो वचन का मतलब क्या होता है, जैसे कि कोई अगर एक चीज़ है तो वो एक वचन, अगर कोई दो चीज़ है द्विवचन, लेकिन अगर दो से भी ज़्यादा है तो वो बहुवचन, तो उनको हम मात्राओं का हेर फेर करके काम चला लेते हैं। किस तरह से काम चलाते हैं ये देखिए, जैसे कि लिखा लड़का, ला बनाएंगे और ये इस तरह से रा हो गया और ये का, इस रा को अगर हम कट कर देते हैं तो रा पड़ा जाता है का और आ की मात्रा, ये क्या हो गया लड़का। लेकिन अब लड़के का हमें बहुवचन लिखना है लड़के, यानी कि यहाँ पर एक लड़का है और यहाँ एक से अधिक लड़के हैं, तो इसको हम कैसे करेंगे, देखो ये सेम ऐसे लिखेंगे, ला बनाएंगे ला बना देंगे इस तरह से का, ठीक है, इसको कट कर देंगे। अब यहाँ पर हमने आ की मात्रा लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर हम एक की मात्रा लगाएंगे बीच में, ये हो जाएगा लड़के, यानी कि इसका ये प्लूरल बन गया। इसी तरह से आता है घोड़ा, घा बनाएंगे इस तरह से और रा, घा पर घा को भी कट करेंगे और रा है इसको भी कट करेंगे, तो इसका ओ की मात्रा घो और ये रा घोड़ा, इसका प्लूरल बनाना है, यानी कि हमें बहुवचन बनाना है, तो यहां पर क्या करेंगे, इसको कट करेंगे, इसको कट करेंगे, घो ओ की मात्रा और ले एक की मात्रा यहां घोड़े, ये तो हो गया इस तरह से प्लूरल बनना। लेकिन कभी कभी प्लूरल जो है वो इस तरह से बनता है कि लास्ट में ये शब्द आता है, ये या आ जाता है इंग, इसको हम अभी बाद में देखेंगे, पहले या ए आ जाता है इस तरह से यूं, जैसे कि अगर मान लो ये लड़की है और आ जाए लड़कियां, तो भी तो प्लूरल है ना, यानी कि बहुवचन है, एक लड़की से तो ज्यादा ही है, तो पहले हम लिखेंगे लड़की, ला बनाएंगे ला और ये का, इसको कट करेंगे और ई की मात्रा ही, ये क्या हो जाएगा लड़की। अब हमें लिखना है लड़कियां, तो देखो लड़कियां बुक के अकॉर्डिंग तो यूं लिखा है, ये लड़की हो गया, यानी कि अभी तो लड़का ही है लड़की, और ये यहां अगर आया था तो इसके सामने जस्ट एक ये बिंदी लगा देते हैं, तो ये यहां पढ़ा जा सकता है, ए पढ़ा जा सकता है, इस तरह से हम इसको बहुवचन बना लेंगे, तो ये क्या पढ़ाएगा लड़कियां, इसको हम पढ़ेंगे लड़कियां, ठीक है, क्या पढ़ेंगे इसको लड़कियां, यानी कि जो बिंदी है वो इस चीज की आवाज निकाले, ठीक, यह है बुक के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर मेरे अकॉर्डिंग देखें तो हमें इसको कैसे लिखना है, हमें कोई इसका यूज नहीं करना, हमें कैसे लिखना है, हमने ये बिंदी ना लगा कर क्या करेंगे, हमने लड़की लिखा और यहाँ पर या का आंकड़ा होता है इस तरह से, ये इस तरह से, यानी कि ये लाइन खींची और यूं करके ये और हल्का सा यूं निकालती, ठीक है, तो ये या का आंकड़ा होता है, तो ये या का आंकड़ा होगा लड़की या, यानी कि हमें ये मात्रा लगाने की जरूरत ही नहीं है, पूरा पूरा खुद हो जाएगा लड़कियां, ठीक है। जैसे कि एक वर्ड आता है राजा, ठीक है, फिर आ जाएगा इसका बहुवचन राजाओ, ठीक, तो राजा को हम सीधा सीधा लिख देंगे रा और जा, रा का की मात्रा और ये जा। अब हमें राजाओ लिखना है, तो बुक के अकॉर्डिंग अगर हम राजा लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, रा जा और यहाँ पे ये लगा देंगे, ये राजाओ हो जाएगा, ठीक। हमें ऐसा नहीं करना, हमें क्या करना है इस तरह से रा जा और ये या का आंकड़ा लगाना है, ये आ की मात्रा राजा और या ही आ गया राजाओ, ठीक है, इस तरह से हमें यूज करना। एक आया था, हाँ, इस बिंदी का हम कहाँ यूज करेंगे, देखो कभी कभी इस तरीके से आया था वर्ड वर्किंग, एक वर्ड, तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे, ये वा बनाया, इसको बड़ा कर दिया, इसमें रा भी आ गया और ये का, ठीक है। अब लास्ट में इंग है, ये इंग, तो जब भी कभी लास्ट में ये वर्ड आए तो यहां पर इस बिंदी से काम चलाएंगे, तो अब इसको पढ़ेंगे वर का और इंग, वर्किंग, क्या हो जाएगा ये वर्किंग, यानी कि इस बिंदी का काम हमें कब चलाना है, जब ये इंग आए,
अगर या ए आए तो हमें जरूरत नहीं है, हमें क्या करना है या बनाना है। चाहो तो यहाँ पर राजाओ, यहाँ पर ओ की मात्रा इस तरह से लगा सकते हैं तो भी राजाओ राजाओ ही पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें यूज करना है, ना कि इस तरह से जो बिंदी लगाकर करा था, यहाँ आगे बिंदी नहीं लगानी। आगे बिंदी हमें तब लगानी है जब इस तरह से आए लास्ट में इंग, इंग अगर आपको मिले तो लास्ट में बिंदी लगाकर आप काम चला लेंगे। तो इस तरह से ये लिंग और वचन की जो क्लास है ये कंप्लीट हो गई है। मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। मैं कोशिश करता हूँ अपनी तरफ से कि कुछ बुक के रूल्स लेकर कुछ अपनी तरफ से इसको थोड़ा सा आसान किया जाए, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कर दें और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दें ताकि वो भी ये सीख सके। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ऐसे ही शॉर्ट हैंड की वीडियो के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।